हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा लाल पाड़गी, उदयपुर ग्रामीण से MLA के प्रत्याशी, हम आम आदमी पार्टी से हैं और हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी का मकसद लाने का यही है कि हमारे यहाँ पिछड़ी शिक्षा का अभाव बहुत ही कमज़ोर रहा है और सरकारी नौकरियों में हमारे पिछड़े ग्रामीण में बहुत कम है। इसीलिए हमारी दो सरकार, एक तो दिल्ली में चल रही है और दूसरी ग्रामीण पंजाब में चल रही है, तो उसी के मुताबिक हमने ये सोचा कि हमारे राजस्थान में ये शिक्षा आवे और हमारे गरीब आदिवासी भाइयों को जो भी है, जो गरीब में सब आए, हम सबको एक शिक्षा एक समान होनी चाहिए। जो शिक्षा का जो हमारे इधर व्यापार चल रहा है या लोगों ने लाखों रुपए फीस ले लेंगे और पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षा हमारे गरीब बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं और या न डिग्री ले सकते हैं। इसी के अभाव से हमारी पार्टी की तरफ से सबसे पहला शिक्षा का दिया है, तो हम शिक्षा पहले लाएंगे, फिर रोजगार लाएंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और भ्रष्टाचार से मुक्त दिलाएंगे और राजस्थान में 12 लाख रोजगार जैसे लगाए दिल्ली में, उसी तरह से हमारे भी यहाँ रोजगार का जो अभाव ज़्यादा है, लोग बड़े परेशानी से आ रहे हैं, मतलब चारों तरफ से, मतलब चौराहे पे 500 आदमी खड़े रह के शाम को चले जाते हैं, उनको रोजगार की कोई ठहर नहीं रहती है, फिर वो अनैतिक काम करते फिरते दारू पी जाते हैं, कुछ भी करके अपराध करने में तरफ जाते हैं, क्योंकि रोजगार का अभाव ज़्यादा है हमारे यहाँ। दूसरी बार हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, हम स्वस्थ हर बच्चे को देंगे, स्वस्थ में भी अच्छा मिलेगा। दूसरी बार दवाएं टेस्ट फ्री सरकारी अस्पताल में शानदार हम वो इलाज का प्रदर्शन करेंगे और हमारी जो जनता की समस्या है वो कोई ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कोड नंबर मिलेंगे, फोन नंबर, वहां से हर कर्मचारी आपके घर आके काम करेगा। जो भी जमीन की 5वीं अनुसूचि 6वीं अनुसूचि जो भी आपको संविधान के अंदर आविदे आदिवासियों की जो हक की बात है वो हमारी सरकार आती है तो एक महीने के अंदर हम उसको लागू कर देंगे। हमारे लागू करना है क्योंकि लागू करते करते बरसों साल हो गए, अब हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे। हमारे केजरीवाल साहब ने पहले भी कह रखा है कि हम इन लोगों के लिए सब जो भी सुविधा है संविधान के अंदर वो हम दिलाएंगे और शिक्षा तो सबसे अच्छी से अच्छे स्कूल खुलाएंगे गांव में, सब अच्छा काम कराएंगे और हर आदमी जो पढ़े लिखे 12वीं 11वीं 13वीं जो इस 5 साल में पढ़े लिखे उनको हम अच्छे परसेंटेज से पढ़ने वाले बच्चों को आगे दिल्ली में हम प्रोडक्ट करेंगे, उनको अच्छी परीक्षा देंगे, अच्छी मतलब शिक्षा की तरफ प्रोडक्ट करेंगे और जो हमारी बेरोजगारी इसी तरह से ख़त्म होगी। जब तक हमारे गाँव के लोग रोजगार और अच्छी अच्छी नौकरियाँ नहीं पाएंगे, जब तक हमारे मतलब पिछड़ापन दूर नहीं होगा और छोटी मोटी 5-7 हज़ार में नौकरी करने से हमारा बहुत ही मतलब क्या खाए नहीं, क्या कमावे, किस 2 बच्चों को पेट भी कैसे पाल सकता है। दूसरी बात, गांव में जाना आना भाई, हमारा सड़क वगैरह ये भी पानी की हाल समस्या बराबर नहीं हुई है। स्कूलों में हालत ऐसी ख़राब है कि मतलब जर्जर हालत में मतलब स्कूल चल रहे हैं, कहीं 2 बच्चे 100 बच्चे तो 3 मास्टर है, 3 बच्चे तो 2 आते हैं, 2 कहीं गायब हो जाते हैं ना। घड़ी हमारे बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए स्कूल की जो गणित वर्गा ये अंग्रेजी जो शिक्षित होते हैं वो पद खाली रहते हैं, तो बच्चे पढ़ेंगे भी क्या? अंग्रेजी की बात कोई पूछो तो नहीं आवे, गणित की बात पूछो तो नहीं आवे, विज्ञान की बात पूछो तो नहीं आवे, वो 8वीं 10वीं में जाके फेल हो जाता है, वो फिर कपटाना पे हमारे इधर मजदूरी करने चला जाता है, तो उसको दैनिक दाड़ी मजदूरी 300-350-400 रुपये मिल जाएंगे, तो इससे आदमी का पेट नहीं भरा। हमारे केजरीवाल साहब कहते हैं कि 18,000 रुपये तो कोई पेमेंट कम होना ही नहीं चाहिए सरकार का। जो प्राइवेट जॉब में लग रहे हैं, जो ठेकेदारी में जो आदमी काम कर रहे हैं, उनको हम उसी जगह परमानेंट करेंगे। हमारे अभी दिल्ली में 25,000 कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को परमानेंट किए, वो बरसों से मतलब चलते आ रहे थे, कच्चे नामे में चलते आ रहे थे, तो उनको परमानेंट किया, रोजा अच्छा खुशी मिली,
पंजाब सरकार ने विद्यार्थी मित्रों में 10-10, 12-12 साल से जो लोग ऐसे ही 7-15 हज़ार में काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट परमानेंट किए, तो उनकी सैलरी अच्छी हो, तो वो पैसा गांव के किसी की भी सदस्य रहते हैं तो गांव में पैसा गांव में खर्च होता है, तो उसकी डॉक्यूमेंट्स बढ़ती है, दुकानदार धंधा वगैरह अच्छा चलता है। इसीलिए हम केजरीवाल सरकार को लाना चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छी तरह से चले। और सर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कई सारे जो ट्राइबल लोग हैं उनको दैनिक वेतन के लिए उदयपुर आना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, ऐसे क्या योजना आप पार्टी लाएगी ताकि उनको वहीं रोजगार मिल सके? हम ऐसा रोजगार लाएंगे गांव में, जैसे हाई सेकेंडरी स्कूल है, पांचवी की स्कूल है, और अपने जंगलात के जो बगीचे लग रहे हैं उसमें उन लोगों को हम रोजगार देंगे, और ऐसा प्रोजेक्ट लाएंगे जो पानी की साधन जहाँ नहीं होगा पानी उपलब्ध कराएंगे, और उनको साग सब्जी का पैदावार करवाएंगे, खाने खड़ी की पैदावार कराएंगे, मुर्गे मुर्गी वगैरह उनकी पोषार करेंगे, बकरा बकरी है उनके लिए खाने का पहले इंतजाम करके फिर उनका हम प्रोडक्ट करेंगे, और जो जो काम पढ़े लिखे लड़के हैं हमको इन प्राइवेट जॉब फैक्ट्रियों में हमारी सरकार उनको से रिक्वेस्ट करके हम उनको 18,000 के कम से पेमेंट में नहीं लगवाएंगे, जो भी काम करेंगे 18,000 से कम पेमेंट हमारे सरकार। उदयपुर में केजरीवाल जी की सभा को लेकर किसी तरह का कोई संदेश? हमारे अभी जैसे चुनाव हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हमारी सरकार अभी थोड़ी मुसीबत में है, इसीलिए हम ये चाह रहे उनका हल्के में थोड़ा समस्या आ रही है सुनने में कि उदयपुर राजस्थान में संभावना बन रही है, तो हमारे हो सकता है हमारे उदयपुर वाले भी मांग करेंगे तो हमारे यहाँ भी आने की संभावना है, 2-4 दिन में हमको खबर मिल जाएगी, उससे हमारा आने से हमारे क्या केजरीवाल साहब से मतलब सन्मुख जो जनता है हमारे ग्रामीण की, उदयपुर की, मेवाड़ की, वागड़ की सन्मुख होगा, उनकी भाषा को समझेंगे, उनके ज्ञान को समझेंगे, और ये पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे इस तरह का ये हम रख रहे मतलब आने की संभावना है, पर अभी तारीख तय नहीं हुई है कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं जा रहा है। आप पहले किसी और पार्टी में थे और अभी आप पार्टी में आए, कितना परिवर्तन क्या परिवर्तन किस वजह से आए? मैं पहले आम बीटीपी का जिलाध्यक्ष था, उसमें हमने देखा भाई हमारे यहाँ उदयपुर जो संभाग है वहाँ हमारे जाति क्षेत्र नहीं चल सकता, यहाँ हमारे सब ट्राइबल के अंदर चारों तरफ से गांव पड़े हुए हैं, इसलिए हम यहाँ जाति प्रतीक हम आगे नहीं आ सकते, इसलिए हमने विचार किया कि भाई जहाँ ट्राइबल का एरिया ज़्यादा है वहाँ तो हमारी बीटीपी या बा पार्टी जो भी इन्होंने बढ़ाई है वो आ गई है, इन लोगों ने लाए हैं अपनी अपनी खुशी के हिसाब से कौन सी पार्टी लाए, हमें उससे नाराज नहीं है। बीटीपी का जिलाध्यक्ष रहा 3 साल, तो हमारे अच्छा प्रोडक्ट हुआ, अच्छी चली, पर हमारे उदयपुर जिले में कम चली, फिर चलती चलती बैठने चली चलती गई, तो भाई हमने कहा अशिक्षित लोगों को शामिल रहना चाहे अनुभव नहीं है, आज जहाँ शिक्षा है वहाँ सब कुछ है, जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, सबसे हमारा अभाव शिक्षा से ही है, वहाँ लोग शिक्षा वाले हैं पर रुपये में से चारा नहीं है, दूसरे लोग वो खाली जंगल जमीन हमारी होगी और हमारे आदिवासी बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वैसे ही हमारे खोसी जाएगी। आदिवासियों पे लगातार अत्याचार हो रहा है, जमीनें वो छीनी जा रही है, पट्टों की जो बात है पट्टों की समस्या उनके समाधान नहीं हो पाया है, दोनों सरकारें वर्तमान में आई भाजपा पे कांग्रेस पे नहीं कर पाई, आप क्या उनके लिए बेनिफिट लाने वाले हैं? हम उनके लिए ये बेनिफिट लाएंगे, आदिवासी की जितनी भी जंगल जमीन की लड़ाई है उसको हमारे केजरीवाल साहब ने बताया है कि जो संविधान के अंदर मूल जो 6ठी 5वीं अनुसूचि है उसको हम धरातल लागू करेंगे, हमारी सरकार आती है तो हम किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे कर्मचारी आपके घर आके ना आपकी जमीन को मापा मोपी लेके और फिर आपके खाते करके जाएगा, आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ, आपकी जहाँ हद परवाने जो लड़ाई झगड़े की जमीन है उसको हम एक बार करेंगे, जो जिसकी अच्छी तरह से बैठा हुआ है उसकी कोई आपद उसकी किसी राज झगड़े की नहीं है उनको हम पहले ही वंचित कर देंगे। चलिए आपने अपना पूरा मैनिफेस्टो भी बता दिया, आपने पूरे आम आदमी पार्टी के जो आपके सिद्धांत थे वो भी बता दिए,
अब बताइए आप उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के क्षेत्रवासी है जो वोटर्स है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि हमारे आदिवासी ग्रामीण में शिक्षा का अभाव ज़्यादा है, न कोई सर्विस में इतने बड़े अफसर है, न कोई तहसीलदार है, न कोई थानेदार है, न कोई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जो हमारे ग्रामीण इलाकों को थोड़ा टैकल करे। ये हमारी तरफ से ये है कि हम पढ़े लिखे हमारे बच्चों को भविष्य बनाने के लिए हम झाड़ू निकाल के झाड़ू पे बटन देके हमारी सरकार बनावे, तो हम आपके 5 साल में हमारी सरकार आती है तो 1 महीने के अंदर हम हमारा काम चालू कर देंगे। हमारे पास भोजन बना हुआ चालू है, हमारे कोई बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम सवाल आपसे, राजस्थान में देखा जाए तो आप पार्टी का इतना वजूद नहीं है, ना ही अभी तक इतने विधायक हो पाए, तो किस तरह से आप जो वजूद है इनमें बना पाएंगे? हमारे राजस्थान में गए टाइम 2018 में चुनाव लड़ गए तो दो सीटें गई, 1 सीटें आई है। उसके बावजूद अभी हमारे राजस्थान में कम से कम 15-20 सीटें को आने की पक्की संभावना है, और ये ट्राइबल हमारे इधर एरिया होने से हमारी ज़्यादा ये नहीं है। जहाँ पढ़ा लिखा लोग है, तत्व के लोग हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि नौकरी लगने से ही अपन सुख प्राप्त कर सकते हैं। अपने जो कमी जो अपना जेब जो बुशर्ट सिलाते हैं तो उसके जेब इसीलिए रखा जाता है कि उसके अंदर पैसा रखा जाता है। खाली इस जेब को रखे घूमने से कोई मतलब नहीं है। हर वोटर को हर 200-250 रुपए का फायदा है, 2,500 का। हमारी केजरीवाल सरकार में जो वोटर है उसको पेंशन मिलेगा, 55 साल से ऊपर उसको 2,500 की पेंशन मिलेगा, माता राम जी को उनको पेंशन मिलेगा, और लेडीज को है 40-25 साल उसे 1,000 रुपये उसको मिलेगा। हमारी बच्ची 18 साल से बड़ी उम्र की बच्ची है, वो कोई ग्रेजुएशन कर रही है या किसी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, उसको 3,000 रुपये वो मिलेंगे। लड़का है तो उसको भी मिलेगा, लड़की उसको नहीं कर रही है कोई तैयारी तो भी उसको 1,000 रुपये उसको पेंशन दी जाएगी। ये हमारे आपके जो पार्टी आपके सामने जो लड़ रही है, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, अभी एक स्थानीय मुद्दा चल रहा है कि वो बाहर के प्रत्याशी विवेक कटारा जो है वो यहाँ का होते हुए भी उनके पिताजी के कटारा थे, ठीक है, उनका जो वर्चस्व था उनको उन्होंने लोगों ने खत्म कर दिया है, यहाँ पे उनकी जो वर्चस्व की लड़ाई थी वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो आप क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं, क्या आप एक आदिवासी होने के नाते जो आपके लोकल लोगों में पकड़ है, जो आप धर्मावलंबी है, सनातनी है, ठीक है, उस मुद्दे को लेकर आप क्या सोच रखते हैं जनता के प्रति? मैं जनता के प्रति ये रखता हूँ कि हमारे जैसे पुराने नेता खेमरा जी कटारा साहब थे, वो हमारे यहाँ 2-3 साल तक वो MLA रहे, उनके बाद में उनका आने बाद में हमको रिलीफ मिलती न मिल के अभी तक हमको गांव में कोई छोटे मोटे स्कूल है तो छोटे मोटे बढ़ गए तो उसका मतलब आगे रीजन नहीं निकला कि जो मतलब उनके बच्चों को आगे जाने का मिले। अब हमने सोचा भाई ये परिवार भी आ गए हैं, बरसों से इनको एक सीट पे एक ही आदमी होता है, तो हमने देखा क्षेत्र में और भी तो लोग हैं पढ़े लिखे, उनकी मन से कभी नहीं कहा भाई ये क्षेत्र का आदमी पिछड़ा हुआ है इधर को, तो हमने हमारी पार्टी का रुझान देख के हमको शिक्षा की तरफ इस पार्टी में जाना पड़ा। हम तो दोनों पार्टियों को समर्थन दिया, उसमें हमारा कोई मतलब लाभ जैसी बातें नज़र नहीं आई, न इन्होंने हमारी जनता का कोई काम किया। हम देखते देखते रहे और 5 साल ये देख लिए, 18 में चुनाव दिए, जो वादे किए वो सब खोखले निकले, और ये हमारे जो अब नकल कर रहे हैं, ये केजरीवाल साहब की नकल कर रहे हैं, जो भी असली जो देना वेना इतने साल तो इन्होंने दिया नहीं, इधर हमारा तरफ से केजरीवाल की सरकार की तरफ देख के नहीं, ये सब दावा कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे मीडिया में आपसे रूबरू हुए, और अंतिम रूप से आप अपने वोटर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? 25 नवंबर को चुनाव है, उस चुनाव को मैं उसके लिए ये हमारी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि झाड़ू पे बटन दबा के झाड़ू को विजय बनावे। घर के अंदर झाड़ू निकालते हैं तो सफाई हो जाती है, सुबह सुबह हर घर में झाड़ू नहीं निकालेंगे तो वो घर अच्छा नहीं लगता है, तो ये झाड़ू लगा के अपनी देश की जो सफाई करनी है वो हर नागरिक को ये सफाई अपन को करनी बहुत ज़रूरी है।
अपने लिए नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए सफाई करनी है, अच्छी क्वालिटी में बच्चे पढ़े, अच्छे शिक्षा बढ़े, अच्छी नौकरी करे, अच्छा व्यापार करे, अच्छा मतलब विचार रख के देश के प्रति अपना जिंदगी का गुजारे। अगर आपकी आप ये प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं ग्रामीण से, ठीक है, आपकी अगर सीट आ जाती है, आप अगर यहाँ से विजय होते हैं, तो आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी या कांग्रेस के साथ में गठबंधन करना चाहेगी, या किस तरह का आपका आगे का कार्यक्रम रहेगा? ये कार्यक्रम तो जीतने के बाद में हमारी जो पार्टी की गाइडलाइंस होगी उसी के अनुसार अपन को चलना पड़ेगा, न कि अपन इधर से उधर चल के जावे, वो हमारी पार्टी का हम नियम नहीं तोड़ने वाले। क्या इस तौर पे आपके किसी प्रत्याशी ने, चाहे कांग्रेस से बीजेपी से, आपसे संपर्क साधने की कोशिश की है? नहीं, अभी तक तो नहीं की। वोटों की गणित को लेके नहीं, अभी तक अपन ने पास नहीं की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।